हे दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी रिव्यू चैनल पर। रिव्यू करेंगे बॉलीवुड की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4। वैसे ये सुनने में कितना भारी भरकम लगता है ना कि बॉलीवुड की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म, लेकिन फिल्म हमारी उम्मीदों पर जीरो है, मतलब कि शून्य। ना ही ढंग की स्टोरी, ना ही ढंग का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, तो उसे तो माइनस जीरो देना चाहिए। और हाँ, जिस बात पर लोग फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड थे, कॉमेडी, तो वो तो फिल्म में है ही नहीं। मतलब कि हर एक कॉमेडी सीन आपको पिछली किसी बॉलीवुड फिल्म की याद दिलाएगा। अब देखो, इस वीडियो में थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे थे कॉमेडी की, तो जी हाँ, हर एक कॉमेडी सीन पिछली किसी बॉलीवुड फिल्म की याद दिलाएगा, जैसे भूला। अब जब जब अक्षय कुमार का भूला वाला सीन आता है तो सीधा हमारा दिमाग जॉनी लीवर पर चला जाता है, क्योंकि गोलमाल 3 में जॉनी लीवर ने ऐसा ही रोल प्ले किया था जिसमें वो भूल जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से सेम टू सेम अक्षय कुमार भी इसी तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। उसके अलावा वो चाकू वाला सीन, पीछे बम्पर घुसाना, बाहर निकालना, फिर घुसाना, कितनी फिल्मों में यही सेम कॉमेडी सीन यूज गया है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो चाकू वाले सीन को देखकर आपको तुरंत दूसरी फिल्म की याद आएगी। उसके अलावा भी कई सीन हैं जो कि आपको पूरी तरह से परेशान करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी वही है जो आपने ट्रेलर में देखा है, क्योंकि फिल्म देखने के बाद पता चला कि यार पूरी स्टोरी तो ट्रेलर में ही है। और अगर आप उससे ज्यादा की सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा अगर कुछ है तो वो है टॉर्चर, जो कि आपको थिएटर में मिलेगा। बात करें कॉमेडी की, तो कुछ नया नहीं है। हाँ, एक दो जगह थोड़ी बहुत मुस्कान आती है, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अब अगर फिल्म मेकर सोच रहे हैं कि हम कबूतरों को चेहरे पर हगा हगा कर और पूरे गाने गवा कर लोगों को हंसाएंगे, तो सॉरी, मुझे तो जरा सी भी हंसी नहीं आई, बल्कि सर पीटने का दिल कर रहा था। एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार अपने रोल में ठीक है, लेकिन उनका भूलने वाला एक्टिंग और वो कबूतरों वाला एक्टिंग देख कर तो सच में गुस्सा आ रहा था। उसके अलावा किसी की भी एक्टिंग कुछ खास नहीं है। बात करें म्यूजिक की, तो फिल्म का बीजीएम एवरेज है, लेकिन बाला वाले सॉन्ग को छोड़कर कोई भी गाना कुछ खास नहीं है। वैसे गानों की बात कर रहे हैं तो गाना कभी भी कहीं भी बज जाता है, मतलब कि कहीं भी। जैसे कि एक सीन में अक्षय कुमार को एक बाबा के पास लेके जाते हैं, तो वो बाबा के साथ सब लोग गाना गाने लगते हैं। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब उन्हें फिल्म में क्यों लिया गया है तो ये तो मुझे पता नहीं। उसके अलावा वो कव्वाली वाला सॉन्ग जब वो बजना चालू होता है तो ऐसा मन कर रहा था कि थिएटर से निकल जाऊं, लेकिन फिल्म का लास्ट सीन चल रहा था तो सोचा कि यार अब तो खत्म कर ही जाते हैं। लेकिन सच में पूरी फिल्म बकवास है, जिसमें आपको पुराने फिल्मों के रेफरेंस के साथ बाहुबली के ढेर सारे रेफरेंस देखने को मिलते हैं। अब पता नहीं क्या सोचकर फिल्म मेकर ने इस फिल्म पर 75 करोड़ रुपए बर्बाद किए, क्योंकि फिल्म में कुछ भी नहीं है। हाँ, बड़े बड़े सेट हैं, लेकिन 600 साल पहले वाला वीएफएक्स देखकर आपको हंसी आएगी। वैसे यही सब देखकर लोग बॉलीवुड के वीएफएक्स की बुराई करते हैं, क्योंकि वो पूरा सीन एक एनिमेटेड फिल्म की तरह लग रहा था। अब देखो यार, इससे ज्यादा तो अब मेरे बस की है नहीं बोलने की। वैसे अगर आपने टिकट बुक कर लिया है तो ये दिन आपके लिए सबसे बेकार जाएगा, और अगर नहीं किया है तो ये दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से फिल्म को 2 स्टार, क्योंकि फिल्म आपको पूरी तरह से निराश करती है। अब भले ही फिल्म अपना नाम और दिवाली का मौका उठाकर अच्छा बिजनेस कर ले, लेकिन फिल्म पूरी तरह से बेकार है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।